मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है एवीएड्स। एवी ए का मीनिंग होता है ऑडियो, बी का मतलब होता है विजुअल। ऑडियो मतलब हियरिंग और विजुअल का मतलब होता है सीन, मतलब आप किसी चीज़ को देख रहे हैं उसके साथ साथ उसको सुन रहे हैं तो वो चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव होगी, ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी, ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। तो ऑडियो विजुअल एड्स जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। टॉपिक थोड़ा लेंदी है लेकिन थोड़ा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो इसको हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू किंडल एस जेम्स के अकॉर्डिंग क्या है कि ऑडियो विजुअल एड्स आर एनी डिवाइस विच कैन बी यूज टू मेक द लर्निंग एक्सपीरियंस मोर रियलिस्टिक एंड मोर डायनेमिक। किंडल एस जेम्स के अकॉर्डिंग ऑडियो विजुअल एड्स जो है उसका यूज़ करने पर आप लर्निंग के एक्सपीरियंस को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं, और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा डायनेमिक और रियलिस्टिक बना सकते हैं। तो ये उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन है। नेक्स्ट है इसका सेकेंड पॉइंट है पर्पज। इसकी पर्पज क्या है कि एक तो सबसे पहले ये बेस्ट मोटिवेशन है, सेकेंड आएगा कि इसके अंदर इमेज क्लियर होती है, थर्ड आएगा एनर्जी और टाइम दोनों सेव होते हैं, फोर्थ आएगा कैप्चर अटेंशन, मतलब स्टूडेंट का अटेंशन इस पर ज़्यादा रहता है क्योंकि इमेज चलती रहती है साथ साथ में ऑडियो चलता रहता है तो स्टूडेंट का अटेंशन और ज़्यादा गेन होता है। इसके बाद में पॉजिटिव ट्रांसफ़र होता है लर्निंग का। नेक्स्ट आता है कि डेवलपमेंट और अंडरस्टैंडिंग और एटीट्यूड्स के अंदर बहुत सारे चेंज आते हैं और स्टूडेंट का इंटरेस्ट बढ़ता है चीज़ों को सीखने के अंदर। तो ये आता है इसके पर्पज के अंदर। नेक्स्ट इस पर्पज का नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि ये बेस्ड होता है टीचिंग्स पर। नेक्स्ट है पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, बच्चों के ज़्यादा इंटरेस्ट को बढ़ाता है और लर्निंग कैपेसिटी को भी बढ़ाता है। नेक्स्ट आएगा इसका क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एवीएड्स। क्लासिफिकेशन में हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहला है प्रोजेक्टेड एंड सेकेंड आता है नॉन प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टेड के अंदर आती है फिल्म, फिल्म स्ट्रिप्स या प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर या स्लाइड्स। नॉन प्रोजेक्टेड के अंदर हम पढ़ेंगे ग्राफिक एड्स पढ़ेंगे, डिस्प्ले पढ़ेंगे, डायमेंशंस पढ़ेंगे, ऑडियो पढ़ेंगे, एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ग्राफिक के अंदर आते हैं। ग्राफिक के अंदर आएंगे जितने भी कार्टून्स हो गए, चार्ट्स हो गए, कॉमिक हो गए, डायग्राम्स हो गए या मैप्स, फोटोग्राफ, पिक्चर्स, ये सब हम ग्राफिक के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है डिस्प्ले। डिस्प्ले के अंदर हम ब्लैक बोर्ड, पैन बोर्ड, मैग्नेटिक बोर्ड या बुलेटिन, ये सब हम डिस्प्ले एड्स के अंदर पढ़ते हैं। थर्ड जो पॉइंट आता है वो है डायमेंशन एड। डायमेंशन एड्स के अंदर हम डायग्राम्स, मॉडल्स, मोकअप, ऑब्जेक्ट, क्यूपिड, ये सब इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। फोर्थ जो पॉइंट आता है वो है ऑडियो एड्स के अंदर हम रिकॉर्डिंग, रेडियो, टेलीविज़न, ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। एक्टिविटी एड्स के अंदर हम आते हैं, उसके अंदर आएगा कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस, डेमोन्स्ट्रेशन, ड्रामेटिक्स, एक्सपेरिमेंटेशन, फील्ड ट्रिप्स, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें आएंगी एक्टिविटी एड्स के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ऑडियो विजुअल टीचिंग। एवीएड्स के बारे में हम तीन पॉइंट्स पढ़ चुके हैं, एवीएड्स की डेफिनेशन, देन उसके पर्पज और उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन। अब हम फोर्थ पॉइंट पे आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एवीएड्स। कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर सबसे पहले इसका पहला कैरेक्टर आता है कि ये मीनिंगफुल होना चाहिए, सेकेंड कैरेक्टर आता है कि पर्पजफुल होना चाहिए, थर्ड आता है एक्यूरेट इन एवरी एस्पेक्ट, फोर्थ ये सिंपल होना चाहिए, नेक्स्ट आता है ये चीप होना चाहिए, इम्प्रोवाइज्ड होना चाहिए, लार्ज इन साइज होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए, इजीली पोर्टेबल होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मेंटल लेवल ऑफ एजुकेशनल मटेरियल होना चाहिए और उसके बाद मोटिवेट्स टू लर्नर होना चाहिए, ये सब इसकी गुड कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ एवीएड्स। प्रिंसिपल के अंदर हम पढ़ते हैं कि सबसे पहला प्रिंसिपल आएगा कि प्रिंसिपल ऑफ सेलेक्शन, सेकेंड आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रेपरेशन, थर्ड प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल कंट्रोल, फोर्थ प्रिंसिपल आता है प्रॉपर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, फिफ्थ जो आता है वो है प्रिंसिपल ऑफ रेस्पॉन्स, सिक्स्थ जो आता है प्रिंसिपल ऑफ इवेल्युएशन। ये आते हैं प्रिंसिपल्स के अंदर जो कि छह टाइप्स के हैं। नेक्स्ट जो आता है अगला पॉइंट वो है हमारा नीड या इम्पॉर्टेंस ऑफ एवीएड्स। हमें एवीएड्स की नीड क्यों पड़ी, उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में। सबसे पहले ये क्या करती है, टीचिंग को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाती है, इम्प्रूव करती है।
देन ये ऑडियंस के अंदर लुक लेसन एंड लर्न की कैपेसिटी को बढ़ाती है। देन आएगा कि मेकिंग लर्निंग इंटरेस्ट एंड प्रॉफिटेबल, ये लर्निंग के इंटरेस्ट को बढ़ाएगी ऑडियंस के अंदर एंड ये प्रॉफिटेबल होगी। देन क्विकर द फेज ऑफ लर्निंग, लर्निंग को और भी ज़्यादा फास्ट बनाएगी ये। देन नॉलेज का डेवलपमेंट करेगी, इसकी वजह से और जितने भी पॉसिबल हर्डल्स हैं उनको ड्यूरिंग टीचिंग के दौरान उन सबको ओवरकम करेगी। देन बियरिंग एक्सपेक्टेड बिहेवियरल चेंज अमंग द लर्नर्स, लर्नर का जो बिहेवियरल चेंज है वो भी करता है ये। देन स्टिमुलेट करता है क्यूरियोसिटी, और ज़्यादा जानने की जो इच्छाएं हैं लर्नर्स के अंदर वो बढ़ती है। तो ये सब इसकी नीड एंड इम्पॉर्टेंस है। इसको समराइज कर लेते हैं हम एक बार कि ये टीचिंग को और ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव बनाती है, लर्नर का लुक लिसन एंड लर्न की कैपेसिटी को बढ़ाती है, लर्निंग इंटरेस्ट को बढ़ाती है ये, और जितने भी नॉलेज को डेवलप करती है फास्ट करती है, और जितने भी बिहेवियरल चेंज है लर्नर के अंदर वो करती है, क्यूरियोसिटी को बढ़ाती है। देन क्विकर होती है लर्नर की कैपेसिटी और भी ज़्यादा। इससे ये सारी आती है नीड या इम्पॉर्टेंस ऑफ एवीएड्स। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ एवीएड्स, एवीएड्स के सोर्स क्या क्या हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो सोर्स आता है एवीएड्स का वो है गवर्नमेंट। देन अगला जो आएगा वो आएगा एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। देन आएगा प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। देन आएगा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और अगला आएगा नेशनल एंड इंटरनेशनल वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन। एंड अगला आएगा कमर्शियल यूनिट प्रोड्यूसिंग एजुकेशनल मटेरियल। ये सारे सोर्स आएंगे एवीएड्स के अंदर। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मोस्ट कॉमनली यूज्ड एवीएड्स। मोस्ट कॉमनली यूज कौन सा होता है कि जो प्रोजेक्टर होता है वो मोस्ट कॉमन यूज होता है। किसके लिए कि प्रोजेक्टर के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताना चाहती हूँ। ये एन ओवरहेड प्रोजेक्टर इज़ अ कॉम्पैक्ट हाई रेजोल्यूशन ऑल कलर प्रोजेक्टर कैपेबल ऑफ प्रोजेक्टिंग टेक्स्ट इमेजेस वीडियो एंड ऑडियो कंटेंट। टिपिकली द प्रोजेक्टर विल फीचर इनपुट फॉर द कंप्यूटर। और उसके अलावा जो यूज़ आते हैं वो है डीवीडी प्लेयर, वीसीआर, सीडी प्लेयर एंड स्टोरेज डिवाइसेस। ये सब आते हैं मोस्ट कॉमनली यूज एवीएड्स। उसके बाद हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एवीएड। एवीएड के फ़ायदे क्या क्या है और उसके नुकसान क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं एडवांटेज के ऊपर। तो एडवांटेज आता है कि ये लर्निंग प्रोसेस को और ज़्यादा इफेक्टिव और कंसेप्चुअल बनाता है। दूसरा, ये ग्रिप करता है अटेंशन टारगेटेड ऑडियंस के अंदर, अटेंशन को ग्रिप करता है। देन आएगा ये इंटरेस्ट को बिल्ड करता है एंड मोटिवेशन देता है। देन आएगा कि एनर्जी लेवल ऑफ टीचिंग है उसको बढ़ाएगा ये, क्योंकि एवीएड्स के थ्रू आप ऑडियो और विजुअल दोनों का यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर। तो स्टूडेंट की इंटरेस्ट, उसकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिक टीचर को टीचिंग कराने में और इंटरेस्ट आएगा। तो इसलिए हम इसमें जो टीचर का जो एनर्जी लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और जो रियलिस्टिक अप्रोच ऑफ एक्सपीरियंस है वो बढ़ती है। उसके बाद ये आएगा पार्टिसिपेंट्स फील मोर इंगेज, मतलब जैसे वीडियो चल रहा है या ऑडियो चल रहा है, दोनों साथ में चल रहे हैं, तो उसमें पार्टिसिपेंट को ऐसे लग रहा है कि वो इसमें प्रॉपरली इंगेज, प्रॉपरली चीज़ों को समझ पा रहे हैं, उसमें प्रॉपरली आप लर्न कर पा रहे हैं, और ये एक्सप्लेन करने में भी ईजी होता है और रिमेंबर करने के लिए भी ईजी होता है, और जितनी भी मिस्टेक्स होती है उनको सही करने के लिए हेल्प करता है, और मिनिमम से मिनिमम मिस्टेक्स होती है इसके अंदर। और नेक्स्ट आता है इसका डिसएडवांटेज। इसके डिसएडवांटेज क्या क्या होंगे कि एक तो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आएगी इसके अंदर, दूसरा आएगा एक्सपेंसिव यानी कि महंगा हो सकता है, तीसरा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है इसके अंदर, और इसके अंदर स्पेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वेल डिज़ाइन एंड प्रेजेंटेशन और मटीरियल होना चाहिए इसके अंदर, तभी ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा। पार्टिसिपेंट माइट पे मोर अटेंशन टू द ग्राफिक्स देन द ऑडियो। ऑडियो की तुलना में ग्राफिक्स के अंदर मोर अटेंशन होती है लर्नर्स की। ये हम पढ़ते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट इसका ड्रॉबैक
ऑफ यूजिंग एवीएड्स। एवीएड्स के ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं कि दीज आर नॉट एसेंशियल फॉर द इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम, ये एसेंशियल नहीं है। दीज आर हेल्पफुल इन टीचिंग बट दे विल नॉट सब्स्टिट्यूट टीचर्स एंड बुक्स। दैट इट रिक्वायर मोर टाइमिंग फॉर प्लानिंग एंड प्रिपेयरिंग, इसको प्लान और प्रिपेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और टीचर्स एंड सो एवीएड्स नीड करंट पावर सप्लाई, एवीएड के अंदर करंट पावर सप्लाई की भी नीड होती है क्योंकि ऑडियो भी चल रहा होता है और वीडियोस भी चल रहा होता है, दोनों चीज़ होते हैं। तो ये टाइम कंज्यूमिंग होगा प्लस टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी आएगी इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं एवीएड्स के अंदर। नेक्स्ट अगला इसी का पॉइंट है ग्राफिक एड्स, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।